जाओ ये मां दिखा पड़ी। पच्चीस अप्रैल 2023 भव दर्शन के लिए तैयारी बनी। अचानक आप ये सब गेहूं का अंबार देख रहे हैं, चने का एक ड्रम पूरा भर गया था, उसमें जितेश जी का भी है, डोनेट कार्ड वालों का भी शामिल है और धीरज श्रीवास्तव जी चल रहे हैं आपका। रात में मैंने जितेश जी को फ़ोन किया, अरे 11:30-12 बजे फ़ोन तो उठाओ, फ़ोन नहीं उठा। अभी मैंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन नहीं उठाया। अब बाद में लोग कहेंगे आपने बताया नहीं। अचानक हमारी तैयारी का दिन का आगमन हुआ तो हमने कहा जाना तो है ही है, इनकी इच्छा है भाई, काफ़ी दिनों के बाद चल रहे हैं ना। तो अचानक आए, हमने कहा चलो जाना तो है ही है। नहीं, उसको अंदर से भी हम अभी चढ़ा देंगे बेलन को, तो वो नहीं खोल पाएगा। तो कुल मिला के आप ये देख रहे हैं एक ड्रम चना, और अकेले मनीष जी जो कैमरा देके बना रहे हैं, ये दोनों लोगों ने छाना। इनका नंबर हमारे पास याद था नहीं कि आपने नंबर फीड, आप फीड करके कहीं जाना हुआ करें तो सुबह अपने गुफ्तगू होना चाहिए ना कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अचानक ये हम 5 बजे के अलार्म लगाए, हमने देखा कि मंगलवार है, इनको कोई ज्यादा हवा होगा नहीं जी जी जी। तो 5 बजे का अलार्म मैं लगाता हूँ कि 5 बजे मैं उठूंगा कि 5:45 बजे आएंगे। शायद आ गए थे बेचारे, काफ़ी काम को तैयारी किए हैं। तो कुल मिला करके आप ये देख रहे हैं, इसको पूरा रात दिखाई पड़ रही ना, ये सब एक पूरा ड्रम पूरा फुल हो गया था। अब इसे नए लोगों का हम शामिल करते हैं। एक बोरी हमने उनका दे दिया था जितेश जी का, फ़ोन किया, अभी फ़ोन कर रहे हैं, अभी इसीलिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मतलब आदमी को कहीं आना हो जाना हो थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, है ना, ताकि मिल बांट के लोग करें। अच्छा आप और ये और आए होते कि ये सारा काम हम लेबर से ही कर, भाई लेबर है ही है, तो हम शाम को छनवा देते, बस आओ गाड़ी स्टार्ट करो चलो। लेकिन इमरजेंसी ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो हम लेबर को भी इसलिए नहीं रोके। हमने कहा टीम हमारा उड़ा पड़ा है और वाले तो सब ठीक करेगा। तो मैं वाणी को विराम देने के पहले मैं ये सब बता रहा हूँ कि बानर भोज एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, यह तो हमसे जुड़े थे। कि बानर भोज से आपने चमत्कार देखा? बिल्कुल बहुत देखा, काफी बहुत देखा, एक नहीं बहुत देखा। आपने भी देखा? जी जी, तभी तो जा रहे हैं, तभी जा रहे हैं। मनीष जी आप बताइए। जी बिल्कुल, तभी तो जुड़े हुए हैं। और आपके परिवार में सबसे ज्यादा किसने देखा? भाई ने, बड़े वाले भाई ने देखा ना। उस विषय में आप ही अपने मुख से बता दीजिए जी कि चमत्कार में भाई के साथ क्या हुआ। अरे पहले दूसरे की दुकान पे काम करते थे, आज खुद का, ऊपर वाले की दया से इतना बड़ा बिजनेस है, सारा सामान खुद का है। और दुगने पर जी, दुगने पर जी जी जी, है ना। मोदी जी के नाम से जितना भोज मैंने किया, हिंदुस्तान की तारीख में इतना भोज किसी नेता के बारे में निस्वार्थ भाव से किसी ने नहीं किया। और अंजाम ये हुआ कि मोदी जी को वो सम्मान मिला कि उतना सम्मान आज तक देश में किसी को नहीं मिला, उतना नहीं मिला। अब अटल बिहारी वाजपेयी को तो मिला, उसको अस्थम बढ़ा है, लेकिन उस समय वो अकेले थे, बहुत तो संभाला है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जैसे कोई हवा बंद है गई कि मोदी जी को बताइए आज, अब रूस कहीं जा रहे हैं तो सम्मान मिल रहा है, कहीं जा रहे हैं सारे राष्ट्रपति एकदम हाथ मिलाते हैं, एकदम सम्मान करते हैं, कितना बड़ा। तो मोदी जी को सम्मान कहाँ थोड़े मिल रहा है, वो तो भारत को मिल रहा है, लेकिन अब माध्यम तो है ही है, उनका नाम तो होना है जी जी। अब ये भोज जो कर रहे हैं, इसमें हमारा एक और दाना है क्या? किसी की गाड़ी, किसी का दाना, किसी का दाना, किसी का रामदाना, हम केवल माध्यम हैं। माध्यम का ये हुआ कि हॉलैंड में कोई तोता मर रहा है तो लोग रामनामी खरीद के रामनामी में लपेट के दफना रहे, हॉलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में लोग पशु पक्षी को चारा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं,
और रायबली में कितने लोग भारत में काम कर रहे हैं, 1 लाख का महीना सुमन माँ खर्चा कर रही है हर महीने 1 लाख, इतने बड़े घर की है वो। अब 30-30, 40-40 कुत्ते अभी भर्ती हैं, कुत्ते घोड़े गाय गधे जो भी है सब। और आज भी 85 साल की उम्र में मेरे यहाँ घोड़ा भर्ती है, और रात में बड़ी बेटी आके हाँ हाँ आज़ाद करो, अब आज़ाद ये किया कि एक जो स्कूटर का गद्दी था सब नोच नाच के घोड़े ने बर्बाद कर दिया, ये आलम है। तो कुल मिला करके बंदर भोज की बड़ी ताकत है, जो रहा बाबा जैसे संत वो भी बंदर भोज करवाते थे बड़े बड़े अधिकारियों से, रात में आर्डर करते थे। तो बंदर भोज यहाँ गदियानी के बाबा का आपने शायद नाम सुना होगा, एक सिद्ध पीठ है गदियानी, तो बड़े अवघट हो गए वहाँ, तो इसकी बड़ी महिमा है। बंदर भोज मना करने का भी अंजाम बड़ा भयानक होता है। एक जगह एक बार इन्होंने थोड़ी लापरवाही किया तो बड़ी भयानक सजा इनको मिली, तो बंदर ने काट लिया। अच्छा दंडा आप रखें? नहीं नहीं है 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 है, क्योंकि एक बार बंदर ने इतना मांस निकाल दिया यहाँ पर, और अचानक तब से भी इनको सबक मिली, अब हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम वाणी को विराम देने के पहले आप लोगों से यही कहेंगे कि बंदर भोज करो न करो, लेकिन मना मत किसी को करो भाई, मना मत करो, बंदर को हटवाओ ना सरकार से, हलो हलो करो। अब सिविल लाइन में सैकड़ों साल से बंदर रह रहे हैं, राहुल साइनी यहाँ के हैं राजस्थान के, अब वो सरकार से मांग करेंगे कि बंदरों का जो मूल निवास है ये वहाँ से उनको नहीं हटाया जाए। 10-10 साल से जहाँ बंदर है, अरे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी रह रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रही है, तो आप वहाँ क्यों मकान बनवा दिए भाई? वहाँ ये भूंदल वगैरह मकान बंदर के तमाम सिंह लोग बनवा दिए, अब मजा आप वहाँ खिला, जंगल कटवाए कटवाए मकान बनिए तो जानवर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई? वो तो आपके बीच में रही है, उनका घर उजाड़ के आप अपना घर बना रहे हो तो कहाँ जाइए? और उनके लिए लापरवाही करेंगे तो उजड़ जाएंगे। जैसे बिहार में 300 नील गाय को गोली मारा गया, उसके बाद से बिहार में जो उथल पुथल हुआ, अभी कोई अस्थायी सरकार नहीं बन पाई और न बन पाई। 300 नील गाय को गोली से भून दिया गया, एक नहीं 300 माने रहता है। ये भी कोई तरीका है। खैर मैं वाणी को विराम देता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि पशु पक्षी ये इनकी सेवा जो है तांत्रिक क्रिया है, इतने दिनों के बाद ये श्रीवास्तव जी जा रहे हैं, क्यों जा रहा है? इनको लाभ दिखा है, लाभ दिखा है ना, तभी ये जा रहे हैं। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, आगे फिर भव्य से कष्ट बनेगा। जय श्री राम काय।